हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों को फिर से और एक न्यू बहुत ही मज़ेदार वीडियो पे। आज का वीडियो थोड़ा टाइप व्लॉग सा होने वाला है, लेकिन टेक वीडियो होने वाला है, दिक्कत नहीं। आज हम क्या करेंगे, जो पहले वाला जो मेरा पीसी था, यह बार आप लोग देख सकते हैं, जो बेसिकली एक बहुत ही कमज़ोर पीसी है। इससे मैं पहले एडिटिंग वगैरह सब कुछ करता था, लेकिन क्या बताऊँ, इसका काम बहुत ही स्लो करता था, क्योंकि बहुत पहले वाला पीसी है। और मतलब यहाँ पर आपका जो सीपीयू वगैरह है, यहाँ पर आपको पेंटियम और मदरबोर्ड भी उतना ज़्यादा खास नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आज मैं इसी पीसी को फिर से रिवील करने वाला हूँ, कोई भी कैबिनेट वगैरह चेंज नहीं करने वाला हूँ, अंदर का सब कुछ चेंज होने वाला है। जैसे कि रैम बताओ, मदरबोर्ड बताओ, प्रोसेसर बताओ, SSD लगने वाला है यहाँ पर, HDD तो हार्ड डिस्क है, यहाँ पर चेंज नहीं करूँगा मैं, तो इतना सारा चेंज करने वाला। तो यहाँ पर सब कुछ मैं नहीं बताऊँगा, आप लोग आगे जाकर सब कुछ देख पाएंगे, कौन सा मदरबोर्ड खरीदा, कौन सा प्रोसेसर खरीदा, मैंने सब कुछ आप लोगों को एक एक करके बताने वाला हूँ। आप लोग चाहे तो जो लोकेशन मैं दे दूँगा, इसी लोकेशन पर जाकर भी खरीद सकते हैं आप, कमर से या तो ऑनलाइन से भी परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूँगा, आप उधर से भी खरीद सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखकर पसंद आए तो आपका मर्जी लाइक करके जाइएगा, क्योंकि लाइक करने से खुशी मिलता है फिर से वीडियो क्रिएट करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब अगर शेयर अगर आपका मर्जी, कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और जल्दी से इसे ले चलते हैं। आज से 2-3 दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था कि मेरे को ये वाला चीज़ से चाहिए, लिस्ट करके दे दिया मेरे को, इसका दाम भी बता दिया, प्राइस कुछ पहले पेमेंट कर दिया था, कुछ थोड़ा पैसे। उसके बाद आज मेरे को बताया कि आज शाम को अभी 5-6 बजे के आसपास मेरे को पता है कि इसको मतलब बिल्डअप करने जाना है, तो जल्दी से इसे खोलते हैं। खोलने के बाद इसे लेकर हम चलते हैं शॉप पर। शॉप पर जाने के बाद आप क्या बताओ, इसे बिल्ड करते हैं, तो ज़्यादा देर ना करके वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। A few moments later. तो फर्स्ट मेरा कैबिनेट का प्रीवियस मदरबोर्ड वगैरह जो कुछ भी था उसे खोला गया। खोलने के बाद जो प्रोसेसर वगैरह मदरबोर्ड फिर से लगाया जाएगा। ये जो मदरबोर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा है, घर पे नहीं लेने वाला हूँ, मतलब उन लोगों के साथ एक्सचेंज करने वाला हूँ, एक्सचेंज करके जितने प्राइस कट ऑफ हो जाएगा टोटल से माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कोर i5 का 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, प्रोसेसर के साथ साथ मैंने एक SSD लिया है 256 GB का, जो आगे जगह सारी डिटेल्स आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसके बाद एक 8 GB का रैम DDR4 का दिया गया, और लास्ट में जो चीज़ है तगड़ा वो है इसका मदरबोर्ड, जो बेसिकली बहुत ही कूल है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो प्रीवियस वाला मदरबोर्ड था, मतलब बहुत साल पहला, मतलब वो भी उतना तगड़ा नहीं था गेमिंग के लिए वगैरह के लिए, एडिटिंग वगैरह के लिए, तो उसे मैं और यहाँ पर छोड़ने वाला हो, उसके साथ एक्सचेंज करके वाला मदरबोर्ड लगने वाला है। तो फिर से मदरबोर्ड को ओपन किया जाए। ओपन करने के साथ साथ मदरबोर्ड भी देखने में बहुत कूल है, आप लोग ये बात देख सकते हैं, फर्स्ट लुक देखने में मज़ा ही कुछ अलग होता है, बीस सेकेंड हैंड चीज़ और फर्स्ट हैंड बहुत थवरअप होता है। यहाँ पर मदरबोर्ड पर फर्स्ट प्रोसेसर को बिल्ड किया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे रैम वगैरह SSD वगैरह सब कुछ यहाँ पर टच किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रोसेसर है इसके अंदर, मतलब प्रोसेसर छोटा है लेकिन फ़ैन दिया जाता है, इसलिए बॉक्स बहुत ज़्यादा बड़ा किया जाता है। और साथ साथ बॉक्स के अंदर जो फ़ैन है, लेटेस्ट क्वालिटी का फ़ैन है, मतलब प्रीवियस ऐसा फ़ैन नहीं था। प्रीवियस फ़ैन आप लोगों ने देखा बहुत गंदा था, मतलब उतना देखने में अच्छा नहीं था, लेकिन इसका फ़ैन का क्वालिटी भी अच्छा किया गया और देखने में कूल लगता है। तब प्रोसेसर डालने के बाद जब कूलर वगैरह लगाएंगे प्रोसेसर पर, तब जल्दी एक चीज़ नोटिस कीजिए कि आपका प्रोसेसर पर अच्छा सा थर्मल पेस्ट दिया जाए, क्योंकि थर्मल पेस्ट नहीं जाएंगे तो हीट सही नहीं होगा और हीट एग्जॉस्ट भी नहीं हो पाएगा, इसलिए थर्मल पेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। और खुद जाकर बिल्डअप करेंगे सामने रहेंगे, थर्मल पेस्ट ज़रूर एक्स्ट्रा देने को बताइएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है बाद में एडिटिंग या काम करने पर। तो बिल्डअप तो हो चुके हैं, इसके बाद इसका सॉफ्टवेयर की बारी है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर GigaByte अब लोग देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है, ओ यस, देखने में बहुत कूल लग रहा है। साथ साथ यहाँ पर विंडोज 10 प्रो मैं लेने वाला हूँ, विंडोज 10 प्रो यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद मेरा PC बिल्ड हो जाएगा। मदरबोर्ड देख सकते हैं, फ़ैन भी देख सकते हैं कितना अच्छी से काम कर रहा है, बहुत ही कूल लग रहा है देखने में। तो रहा इसका शॉप नाम पे आप देख सकते हैं टेकनेट सॉल्यूशन, इसी शॉप पर आकर आप खरीद सकते हैं अगर आप मेरे लोकेशन पर रहते तो, नहीं तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर लोकेशन वगैरह सब कुछ दे दूँगा और सभी लिंक भी दे दूँगा, आप चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं। तो जल्दी से हम घर जाते, घर जाने के बाद PC को ऑन करते, ऑन करने के बाद हम इसका मतलब टोटल डिटेल्स में कुछ बात करेंगे, क्या क्या चीज़ मैंने लिया है, क्या क्या यहाँ पर छोड़ दिया है। तो दोस्तों इतना देर आप लोगों ने जो वीडियो देखा, एक व्लॉग टाइप का वीडियो था, मतलब मैं PC को बिल्ड करने गया था और कैसा उसका मोमेंट था, मतलब कैसे कैसे बिल्ड किया जाता है सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया।
और कुछ शॉर्टकट में भी बताया कि इसको मदरबोर्ड क्या है, प्रोसेसर क्या है, तो इसके बारे में आज कुछ मतलब डिटेल्स में बात करेंगे। पिछले रात को मैंने वीडियो शूट नहीं किया, इसलिए नेक्स्ट डे में वीडियो को शूट कराऊँ। तो फर्स्ट यहाँ पर कैबिनेट मेरे को मतलब चेंज नहीं है कि मैंने इसी कैबिनेट पर मैंने इसको कंटिन्यू करूँ, बाद में जगह इसको चेंज करेंगे। तो फिलहाल इस कैबिनेट पर काम हो गया। तो अब फर्स्ट अगर हम इसको साइड में करके मदरबोर्ड का जो बॉक्स में लास्ट में देंगे, अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पर i5 का 12th जनरेशन का बहुत ही मतलब बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन का प्रोसेसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल मतलब बहुत ही तगड़ा फास्ट है। मैंने इसे इस्तेमाल करके भी देखा, बहुत ही औसम यार, और गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। और इसके अंदर आप लोगों को तो दिखाया कि फ़ैन था, प्रोसेसर था, आप इस डब्बा कोई काम का नहीं, लेकिन इसके अंदर अभी भी आपको एक चीज़ मिलेगा जो शायद हो सकता है आप लोगों को बहुत काम आए, और इसका मैनुअल गाइड नहीं जानते आप लोग तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो इसको मैं साइड में रखते हो, साइड में रखने के बाद यहाँ पर जो मेन चीज़ आता है वो है गेमिंग का ये मदरबोर्ड, गीगाबाइट का B660M गेमिंग ACDDR4 वाला मदरबोर्ड यहाँ पर मैंने परचेज़ किया इसे। इसके साथ मेरे को वाईफाई का वायरलेस एंटीना भी मिलता है जो बहुत ही कूल है। और इसके अंदर क्या क्या है मतलब मदरबोर्ड तो आप लोगों ने देख लिया, उसके बाद क्या क्या मिलता है सब कुछ मैं देखने वाला हूँ। तो फर्स्ट इसे जल्दी से ओपन करते हैं, ओपन करने पर क्या मिलता है देखते हैं। तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो एक CD कैसेट मिलता है, DVD रीडर भी बता सकते हैं। इससे में क्या है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर वगैरह दिया है जो प्री इंस्टॉल करके मतलब CPU का जो मदरबोर्ड है उस पर प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा, आप इसे कर सकते हैं। रियल टेक का गूगल क्रोम वगैरह सब कुछ दिया होता है जो इंस्टॉल करना बिल्कुल ही सही चीज़ है। अगर आप लोग नया PC खरीद रहे तो इस तरह कोई भी अगर DVD या पेन ड्राइव कुछ भी दिखे यार ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद जो वाईफाई कनेक्शन का एंटीना मैंने बताया, जो एंटीना है बहुत ही कूल और ऑसम है, क्योंकि यहाँ पर एक मैग्नेट आपको देखने को मिलेगा जिससे आप लोग इसको इस तरह अटैच कर सकते हैं, मतलब गिरेगा नहीं, बहुत ही कूल है आप देख सकते हैं। हाँ, और इन दोनों साइड पे जो एंटीना का टच पोर्ट है देखने को मिलता है, उसे हम साइड पे रखते हैं। उसके बाद हमें एक केबल मिलता है जो मैंने अभी तक भी सेल ओपन नहीं किया, क्योंकि पुराना वाला काम हो गया, न्यू मैंने इसलिए नहीं ओपन किया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, एक SSD लिया था, आप लोगों को मैंने दिखाया कि 256 GB का एक SSD है, मतलब बहुत ही अच्छा SSD, अगर आप लोगों को लेना है तो SSD ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर SSD से बहुत फास्ट हो जाता है। और हार्ड डिस्क लेना तो हार्ड डिस्क भी ले सकते हैं, प्रोसेसर का चीज़ वगैरह, एक प्रोसेसर का जो ढक्कन वगैरह जिसको बताते हैं क्या बताओ। और जो लास्ट चीज़ है वो है DDR4 का 8 GB का रैम पावर शेयर का, आप देख सकते हैं, जो बेसिकली बहुत ही कूल, क्योंकि पहले वाला जो रैम था काम नहीं करेगा, इसलिए मेरे को DDR4 वाला 8 GB रैम लेना पड़ा, क्योंकि 8 GB भाई आजकल तो चलता रहता है, 8 GB के बिना कोई काम नहीं होता है। मैं कोशिश करूँगा फ्यूचर में जाकर इसको अपडेट करने के लिए। तो फिलहाल तो यही सब बॉक्स के अंदर दिया जाता है। और एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, एक मैनुअल गाइड दिया जाता है इसी मदरबोर्ड का। तो अगर आप लोगों को मदरबोर्ड के बारे में कोई भी आइडिया नहीं तो इससे आप लोग मतलब पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी से। और अगर मैं इसका अंदर का चीज़ एक बार आप लोगों को दिखाऊँ, अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा चीज़ अंदर आपको दिया गया, आप देख सकते हैं अंदर का बिल्ड क्वालिटी। मेरा पुराना वाला यार कैबिनेट है, इसको आप छोड़ दीजिए, जो अंदर का पोर्शन देख सकते, जो फ़ैन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, फ़ैन बिल्कुल नया है, फ़ैन को कैसे दिखाऊँ यार, कहाँ गया फ़ैन, मेरा फ़ैन रहा बिल्कुल नया फ़ैन है, मतलब इंटेल का जो नया कस्टमाइज़ किया गया इंटेल से। पहले वाला फ़ैन बहुत मतलब बुरा देखता था, लेकिन ये वाला फ़ैन बहुत ही कमाल का देखने वाला है, और अंदर से मेरा ऐसा लगता है देखने में। और कोई भी ग्राफिक्स कार्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पर SSD वगैरह लगा हुआ है। इस पर जो मदरबोर्ड है, इसी मदरबोर्ड पर आप लोगों को मतलब 2 स्लॉट मिलेगा फिलहाल इसी प्राइस पर, तो 2 स्लॉट ठीक है। और एक बात, इसी मदरबोर्ड पर आप 8 GB सिस्टम भी कर सकते हैं, 8 GB कैबिनेट को भी चला सकते, जो एक अच्छी बात है, मतलब गेमिंग मदरबोर्ड पर होना चाहिए। और साथ साथ आपको 2 स्लॉट मिलता है SSD का, जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। पीछे आपको यहाँ पर इंटरनेट की सपोर्ट, HDMI पोर्ट वगैरह, VGA केबल वगैरह, और साथ साथ आपको लाइन इन लाइन आउट और माइक्रोफोन का भी पोर्ट, मतलब 3.5 mm का ऑडियो जो पोर्ट होता है देखने को मिलेगा। साथ साथ आपको 5 USB स्लॉट और एक टाइप सी स्लॉट भी मिलता है, बढ़िया बात है, मतलब इसी प्राइस पर आपको टाइप सी भी मिलता है, या वो भी फास्ट
टाइप सी। तो यही था इसी मदरबोर्ड का पूरा सेटअप। और मैंने क्या क्या चेंज किया, प्रोसेसर को चेंज किया, मैंने i5 12 जनरेशन इस पर बिल्ड किया, मदरबोर्ड को चेंज किया, उसके बाद मैंने SSD लगाया न्यू और रैम को भी चेंज किया। पूरा का पूरा इसे करने पर मेरे को खर्चा जितना हुआ उतना खर्चा अगर बताऊँ तो एक्सचेंज करके 35,000 के आसपास मेरे को लग गया, जो बहुत ही अच्छी बात है। जितना सारा चीज़ दिया ना भाई इसी प्राइस में, औसम है यार। गेम खेलकर भी बहुत मज़ा आता है, मैंने एक बार ट्राई किया था। और जितना सारा यहाँ पर डिटेल्स बताया गया, सभी डिटेल्स अगर मैं इसी वीडियो पर बताने जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मतलब देखने को मन नहीं करेगा आप लोगों को। यहाँ पर बहुत सारा चीज़ मैंने गाइड पर दिए, इसका पूरा का पूरा लिंक दे दूँगा, डिटेल्स आप लोग चेक करके उसके बाद खरीद सकते हैं, या आप चाहे तो किसी दुकान पर जाकर उन लोगों से डिस्कस करके फिर खरीद सकते हैं। तो आज के लिए सब इतना ही इस वीडियो पर। अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और चैनल को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जाइए, और कमेंट बॉक्स पे कोई भी कमेंट हो तो जल्दी से कमेंट करके जाइए। दोस्तों के साथ शेयर करना है अगर कोई भी इस तरह कम प्राइस में गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते। हाँ भाई, मेरे को प्राइस ज़्यादा पड़ जाता अगर मेरे को कैबिनेट वगैरह खरीदना पड़ता SMPS, लेकिन मेरे पास पहले से था इसलिए दिक्कत नहीं हुआ। तो अगर आप इसी बिल पे खरीदना चाहते हैं तो आपका लोकल शॉप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाकर खरीद सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दूसरा किसी और वीडियो पर, तब तक ले बाय बाय।